मैं डॉक्टर जीपी सिंह अम्बेडकर जनपद रामपुर मंडल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ और आपका सभी साथियों का आज के समर संघ में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि मेरे को बोलने का मौका दिया गया है तो जैसे कि कॉन्सेप्ट है समर संघ का, तो उसमें जो ट्रेंड गोल्डन रूल्स है उसका अनुसरण सभी को करना है। और जैसे कि ट्रेंड गोल्डन रूल्स हैं कि केवल समर, तो केवल समर का मतलब यह है कि इसमें बहुजन हमारे जो हैं वो सब समर हैं और बाकी विपरीत जो हैं वो बमण हैं। तो जितने भी समर हैं बहुजन 85% वो सब इसमें आते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है चंदा कभी नहीं, तो ये जो समर संघ है इसमें कभी चंदा नहीं लिया जाता, इसमें सब अपना अपना सहयोग करते हैं और संगति लगती हैं, संगति ऑनलाइन भी लगती है और फिजिकल भी लगती है। तीसरा पॉइंट है जाति का अभ्यास कभी नहीं, इस समर संघ में कभी भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता, जाति और धर्म को परे रखा जाता है। इसमें जो बुद्ध की और धर्म का जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय इस कॉन्सेप्ट पर इसमें काम किया जाता है, तो इसमें जाति का अभ्यास कभी नहीं किया जाता। केवल संघवाद, इसमें केवल संघ को ही पार्टी दी जाती है, संघवाद संघ के जो आइडियोलॉजी है उस पर पार्टी दी जाएगी, संघ जो निर्णय लेगा उसको पार्टी दी जाएगी, किसी व्यक्तिगत साथी को कोई पार्टी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नंबर 5 है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, इसमें कोई पद नहीं होता, कोई किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती, इसमें कोई मंच नहीं बनाया जाता, इसमें कभी माला नहीं बनाई जाती, इसमें सभी साथी या तो कुर्सी पर बैठते हैं या सभी साथी नीचे फर्श पर बैठते हैं, चाहे कोई कितना छोटा हो या कोई कितने बड़ा हो सबको एक बराबर मान सम्मान दिया जाता है, कभी भी पद के आधार पर किसी को प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। नंबर 6 पंजीकरण कभी नहीं, ये समर संघ है, समर संघ इसमें पूरा भारतवर्ष का पूरा विश्व इसके अंदर निहित है और जिसके अंदर सब कुछ निहित होता तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। नंबर 7 संघाधिशेष सबसे ऊपर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे जितने भी स्पोक्स हैं उनका हाउस लगता है, हाउस फिजिकल भी लगता है और ऑनलाइन भी लगता है, उनके दिन डिसाइड है, उस हाउस में हमारे जो स्पोक्स साथी हैं वे कोई भी अपना प्रस्ताव लाते हैं या किसी भी साथी को लगता है कि इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए या ये नियम लाना चाहिए तो वो उसमें प्रस्ताव लाते हैं, और प्रस्ताव लाने के बाद उसमें यदि उस साथी का वो प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है तो वो संघ का आदेश हो जाता है, और संघ का जो आदेश बन जाता है वो संघादेश हो जाता है और वो सभी को मान्य होता है, तो संघादेश सबसे ऊपर होता है। इसके अलावा 8 नंबर है संघ राजनीति में कभी नहीं आएगा। साथियों, संघ की जो नेचर है वो साम दाम दंड वेद सभी में काम करना होता है, उसको राज की नीति बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। चूंकि से समर संघ है इसमें सोशल एक्टिविस्ट लोग काम करते हैं, इसमें समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के कॉन्सेप्ट का काम करते हैं, तो इसलिए इसमें हमेशा संघ और धम्म की बात इसमें की जाती है और ये कभी राजनीति में नहीं जाता। यदि किसी व्यक्ति को अभिलाषा है तो वो इससे जा सकता है, लेकिन वो इसका फिर एक्टिव मेंबर नहीं रहता, एक सामान्य मेंबर के रूप में उसको काउंट किया जाता है और ये संघ कभी राजनीति में नहीं जाता, बाहर से भले ही उसका पोषण करना चाहे तो कर सकता है। नंबर 9 संघात की वापसी संघ में कभी नहीं, संघ की जो आइडियोलॉजी है जो 9 गोल्डन रूल्स है उसमें कोई वायलेंस करेगा, कोई भी उससे लीक से हटके चलेगा या कोई भी ऐसी घटना करता है जो संघ आदेश के विरुद्ध जाता है तो वो संघात की श्रेणी में आता है और ऐसे व्यक्ति की फिर क्षमा नहीं है, इसलिए संघात की वापसी इसमें नहीं हो सकती। 10 नंबर है उपरोक्त 9 बिना संघ का जो आधार है ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 9 गोल्डन रूल्स हैं। तो साथियों, हम सभी को इस 9 गोल्डन रूल्स पर काम करना है और इसके साथ साथ जो धम्म की विचारधारा है उसको बढ़ाना है। धम्म यानी कि नेचुरल साइंटिफिक, जैसे कि बहुत साथी हमारे बात करते हैं कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं कि क्या हैं, कि ये धम्म को मानते हैं कि बुद्ध को मानते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है
कि हम ना तो आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम सिर्फ वास्तविक हैं। और जो धम्म था बुद्ध का वो भी वास्तविक था, वास्तविकता का मतलब नेचुरल प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। तो ये जो धम्म है ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है और इसलिए ये यूनिवर्सल है हमेशा। तो इस पर जो व्यक्ति चलेगा, इसके मार्ग का अनुसरण करेगा, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के कॉन्सेप्ट पे जो चलेगा, वो अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण करने का काम करेगा। इसलिए साथियों हम सबको जुड़ना चाहिए, जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जुड़ेंगे। तो इसलिए सभी साथी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। जैसे कि बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट का अधिकार, साथियों ये छोटा मोटा अधिकार नहीं है, यह एक अरबपति आदमी को भी उतनी पावर देता है और एक रिक्शा चलाने वाले को भी वही पावर देता है। और ये एक ऐसा राइट्स है जो आपको सत्ता पे, जो इस देश का शासक बना सकता है, तो ऐसा राइट्स है। और वो तभी हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र में जैसे प्रीएम्बल में दिया है, हम भारत के लोग, मतलब इसमें जो ताकत है वो जनता से, जनता के द्वारा जनता का शासन है, और जनता के में ही ताकत निहित होती है। और वो ताकत का प्रयोग करने के लिए बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, संविधान दिया है, तो उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उस पर प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम बहुमत से एक संघ में आकर खड़े हो जाएंगे। और साथियों संघ में बहुत ताकत होती है, जिस दिन संघ इकट्ठा हो गया और संघ ने जो आवाज उठा दी, तो सत्ता चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, इम्प्लीमेंट वही होगा जो संघ चाहेगा। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप जिस क्षेत्र को काम फोकस करेंगे, जिस क्षेत्र में रिक्वायरमेंट करेंगे, उसको वही करना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो साथियों मैं ज्यादा ना समय लेते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करूंगा, और मैं पुनः अपील करूंगा कि सभी साथी लोग इसमें अपने साथियों को जोड़ें, खुद जुड़ें और इसमें जुड़े जोड़ने को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संगम नमामि। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। साधुवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.
साधु साधु साधु।